3:28 AM मैं वॉशरूम गई थी, मुझे कैसे देख रहा है। हाय ग्रीसू, पूछ देता हूँ। हाय निन्नू आ रही है, निन्नी आई है आपको, सो जाओ, गुड नाइट। आप लोगों को भी सुबह मिलती हूँ। Hey everyone, good morning and welcome back to my channel. If you're new here, my name is Tavya Negi and please don't forget to subscribe this channel before watching this video. I have Grizu with me, if you can see him. लेटा पड़ा है तो उठ नहीं रहा है और राइट नाउ इट्स 2:30 PM तो मेरा रूटीन ठीक होगा ना। कभी ये चीज़ मैंने इस चीज़ की उम्मीद अब छोड़ दी। अब आज के बाद मैंने उम्मीद ही नहीं करनी खुद से कि मेरा रूटीन ठीक होने वाला है, क्योंकि ये कभी ठीक नहीं होने वाला है। मैंने मान ली सच्चाई ना, कभी कभी जल्दी मान लेनी चाहिए। आपको कम दुख होता है तो डेली दुख नहीं होता है कि यार रूटीन नहीं ठीक कर पा रही, रूटीन नहीं ठीक कर पा रही। कितना ट्राई किया, कितना ट्राई किया रूटीन ठीक हो, ये नहीं ठीक होने वाला है। तो सच्चाई को मान लो कि आपने उठना ही दिन ढलने के बाद है। आप सूर्य उदय पे कभी नहीं उठोगे, आप सूर्यास्त पे उठोगे। सनसेट देखो भाई, खुश रहो, कुछ नहीं होने वाला आप लोगों का, मतलब मेरा। यार खुद को बोल रही हूँ, ठीक है, आप लोगों को नहीं बोल रहा। मेरे को आज सुबह उठना था, अमरावती भी जाना था, मतलब अभी भी जाना है, बट अभी मम्मा पापा बाहर चले गए हैं। मम्मा पापा और तब्बू तीनों बाहर गए हैं, तो अभी मैं उनके आने के बाद जाऊँगी। और अब ग्रीजू भी मेरे कैमरा के सामने जाके बैठ रहा है। क्या चाहिए ग्रीजू? ग्रीजू और दब्बू वापस आ गए। और ये है मेरा और दब्बू का खाना, मेरा फेवरेट। मतलब मेरा फेवरेट ये वाला नहीं है एक्चुअली, मेरा फेवरेट होता है जो ऐसे वाले कुलचे के अंदर वो होते हैं ना छोले, बिना तड़के वाले वो। बट दिस इज आल्सो नाइस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर मम्मी पापा जंगल वाली तरफ वॉक करने आते हैं, तो मैं देखने आई हूँ कितना चलते हैं। मैं ये बोल रही हूँ कि मैं देखने आई हूँ कि आप लोग कितना चलते हो। चलो तो ले तो रही है पीछे से तो। मेरे लेफ्ट साइड में ना पूरा नेशनल वो वाला, पापा क्या मुंह से वर्ड ही चला गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मेरे लेफ्ट साइड में। तो मैं अपनी बुआ के साथ ना इस वाले जंगल वाली तरफ वॉक के लिए आती थी पहले। तो मुझे यहाँ पे इतने सारे बंदर होते हैं ना, इतने सारे डॉगीज होते हैं, तो मुझे लगता था कि ये लोग आपस में लड़ जाएंगे और हम बीच में अटक जाएंगे और हमें काट खा जाएंगे। तो बुआ हमेशा बोलती थी कि बंदर से नहीं डरना होता, एक थप्पड़ मार सकते हैं हम बंदर को। तो मुझे लगता था कि ऐसे ही बोलती है बुआ। उसके बाद बुआ ने एक बारी सच में क्या किया है कि बंदर आया और बंदर ने बुआ को दांत मारी है बाजू में, और बुआ ने देख घुमा के थप्पड़ रखा है बंदर को। अमरावती के बाहर पहुंच गई हूँ और मैंने ऑटो चेंज कर लिया और मैं पहुंचने वाली हूँ घर। और मैंने पारस को बोला कि मैं आज आ ही नहीं रही हूँ। हाय जैस्मिन, हेलो हेलो। ऐसे एक बात बता, मुझे धक्के क्यों मारती है जैस्मिन? ऐसे ये कैसे प्यार है? दांत देखना, इसको देखना देखना, मुंह खोल के दांत मारती है सीधा। जैस्मिन इसको प्यार नहीं बोलते, मैं इसको प्यार नहीं मानती हूँ। हेलो हेलो, ऐसा होता ना प्यार, दांत नहीं मार रहा मुझे। मैंने पारस को बोला कि मैं आज नहीं आ रही हूँ। मैंने उसको बोला कि फोन किया उसने, मैं रास्ते में थी, मैंने कहा मैं आज नहीं आ रही हूँ, तो मैंने बोला वेट कर रहा था, कह रहा हूँ नहीं वेट तो नहीं कर रहा था, कल आ रही है तो कल जूनियर मार दे मार दे, धक्का मार दे जूनियर, धक्का मार दे, मेरी आवाज ऐसे ऊपर पहुँच जानी है। हाय बच्चों, हाय काका।
वो इसका पिट्टू और बड़ा हो गया। हाय काका। मैं वो लग ही रहा था तू तो आएगी। पार्शु भी बोल रहा था क्या था पता नहीं ये इसको मैंने बोला कि कल आऊंगी। आज भी था जिनसे मैं साइलेंट मोड पे मिली हूँ क्योंकि खाना खा रहे थे। यार फ्लैश लाइट ऑन हो गया। अब बताऊंगा बताओ चारू दीदी बताओ। अरे बताओ इसको मत देखो मुझे देख के बताओ। तू कैमरा पकड़। यार ये क्या हो रहा है यार आप मुझे देख ओके करंट वाला मुझे देख के बताओ। ओके तो आदि पूरी एक्साइटमेंट से बताओ। अब तो गुनिया का खेत में गई। एक्साइटमेंट पता क्या हुआ कि ये हमारी गाड़ी थी और आदि यहाँ से क्रॉस करके आगे गया और ना इसने स्पीड में गाड़ी बढ़ा रहा था ये ठीक है। और उसके बाद मैंने देखा मेरा पार्श्व इसके साथ ना कोई तो बैठा है ये नीचे को है थोड़ा सा कोई लड़की जैसी लग रही क्योंकि बहुत छोटी हाइट थी मतलब वो उससे भी नीचे। तो मैंने बोला पार्श्व गाड़ी बढ़ा। मैंने कहा गाड़ी बढ़ा अब मैं गाली कैसे दूंगी क्या बोला पार्श्व ने। कोई नहीं देता। अच्छा क्या हो रही है क्या हो रही है। अरे मैं सिनेमैटिक मोड ट्राई कर रहा हूँ उसका कैसा होता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि पार्श्व ने आगे गाड़ी बढ़ाई हम टोल पे फंस गए है ना। और ये हो गया एक्साइटेड बहुत ज्यादा कि आज तो भैया फंसेंगे आज तो भैया चुदे आज तो ये हुआ आज तो वो हुआ ठीक है। और इस वो था बैरियर और उस पे बजी गाड़ी ठन करके पटाखे की आवाज आई बिल्कुल बैरियर पे। बैरियर टूट गया। बैरियर टूट गया वो कड़क करके बजा नीचे और बैरियर और हमारी गाड़ी का पता है वो कितना सरा की जो होती है ना आगे की विंडस्क्रीन बोलते है ना उसको आगे बढ़ गया उसके बिल्कुल एज पे जाके वो टन करके बजा और थड़ाक करके पास से पीछे देखा। और मैं इतनी वो थी कि मैं तो इसको साले को आज पकड़ना ही किसके साथ था दीदी। बैरियर से मुझे बहुत डर लगता है। इसका फेवरेट एक्टर साइड में गया अली फजल। हाँ वो निकला साइड से मुझे कुछ नहीं पता। मैं मेरे को इसको पकड़ना है आज मुझे एयर ड्रॉप करना। मुझे इसको पकड़ना है आज ये किसके साथ था। पार्श्व ने भी हम लोगों को कुछ नहीं याद पीछे क्या टूटा फूटा क्या हुआ। मैं कहा तू गाड़ी भगा और ये आ गया और गाड़ी भगाए हम इसके पीछे। पारस ने हॉर्न मारे फ्लिपर दिए सब कुछ दिया देखा भैया ने रुके नहीं और आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया भाग रहे थे। हाँ और बाद में जाके लाइट्स के पास एक बंदा उतरा हाइट छोटी थी। उसके बाद भी हम इसको फॉलो करते रहे अमरावती के अंदर भी आ गया और उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी बिल्कुल आगे बढ़ा दी और ले गया। तो मैं इसको फोन तो कॉल करनी थी ना पहले क्यों करनी थी हमें तो देखना था ना अरे बंदा उतर, हमने रंगे हाथ पकड़ना था ना लड़की के साथ। बंदा उतरने के बाद फोन करना था ना। अरे क्या पता लड़का ही बॉयफ्रेंड हो मुझे क्या पता आजकल बहुत कुछ हो सकता है। इस बात में भैया ने अपना फोन ही नीचे रख दिया। मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करना। और मैं तो गुस्से में था हुआ क्या था इसने बोला कि हमें मनी माजरा और मुझे था कि मैं जूनी को जल्दी खाना खिला के जल्दी जिम जाके जल्दी आऊंगा इसलिए मैंने गाड़ी भगाई थी। मैंने कहा मैं टाइम नहीं वेस्ट करता मैंने सीधे घर ही जाना है नीचे तो आऊंगा नहीं मैं। जैसे बैरियर से क्रॉस करने के बाद राइट हैंड साइड उसमें लिम्बोर्गिनी में मैंने लिम्बोर्गिनी में नहीं देखी ग्रीन कलर की लिम्बोर्गिनी आपका ध्यान था ना भगाने में आप ऐसा हो सकता है आपने ग्रीन कलर की लिम्बोर्गिनी ना देखी हो। जूनी की कसम मेरे को तुम्हारे फ्लिक कर देखे ना मेरे को लिम्बोर्गिनी दिखी है ग्रीन। बीवी ने किया पति का पीछा पकड़ने की कोशिश की रंगे हाथों लेकिन पति हाथ से निकल गया। अभी मैं अनिरुद्ध भैया और पारस निकल गए क्योंकि कल आदि भैया और चारू दीदी जा रहे हैं हमीरपुर सुबह सुबह ये लोग निकल जाएंगे तो अभी हम जा रहे दीदी का बैग लेके दीदी के कपड़े लेने के लिए। पहुंच गए हम DLF। ना चारू दीदी के ना गंदे पड़ोसी आए हैं अच्छे पड़ोसी नहीं है ये दीदी को तंग करते हैं ये कभी कुछ कंस्ट्रक्शन करवाने लग जाते हैं कभी कुछ कंस्ट्रक्शन करवाने लग जाते हैं और चार दीदी के पूरे कमरों में वो आ जाता है मॉइस्चर आ जाता है उससे। हाँ क्या आ गए ओ नो नंबर दिख रहा है इस पे तो यहाँ भी मैं यहाँ भी मैं हर जगह मैं ही मैं यार आदि भैया एक तो मैं ब्लॉग बनाती हूँ मैं कुछ भी बोलती हूँ ना पीछे से आदि भैया मुझे हंसते हुए दिखते हैं ऐसे क्यों हंसते हो आप। चार दीदी वीडियो कॉल ही नहीं उठा रहे। ये चारू दीदी ब्लॉग में देखेगी पता है आपको।
कभी चारू ने टाइम पे चीजें उठाई।